कहा जाता है कि आदमी अपने काम से जाना जाता है, लेकिन भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी हरकत और विवादित बयान के लिए जानी जाती है। आए दिन प्रज्ञा ऐसा कुछ कह जाती है कि लोग ना चाह कर भी चर्चा करने को मजबूर हो जाते हैं। कभी अजान से उन्हें परेशानी होती है तो कभी मंदिरों के धन को लेकर संशय होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रज्ञा स्कूल के बच्चे जैसे बहाने भी बनाती है। वह बीमार होने के कारण कोर्ट की पेशी में नहीं पहुंची, लेकिन शाम को वह फुटबॉल खेलते नजर आई थी। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाली प्रज्ञा गरबा को लेकर भी सुर्खियों में आई थी। यही नहीं, वे बंगाली समाज के दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हाथ में खप्पर लेकर थिरकती नजर आई। यहाँ माँ काली के दर्शन करने के बाद उन्होंने ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह 5:00 से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। वो आवाजें लगातार आती हैं। सबकी नींद हराम होती है, नींद खराब होती है, कुछ बीमार होते हैं उनको भी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि साधु सन्यासियों की साधना का भी यही समय होता है और उनकी साधना में परेशानी होती है। निष्कंटक हो जाएं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4:00 ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी रात। इससे पहले साध्वी ने मंदिरों को लेकर बड़ा बयान दिया था कि हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं, इनका धन विधर्मियों को चला जाता है, कलेक्टर उनका अध्यक्ष रहता है, बड़े बड़े मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाता है, सारा धन विधर्मियों को चला जाता है। सांसद ने भारत भक्ति अखाड़ा के माध्यम से हिंदू धर्म के मंदिरों पर सरकार के कब्जे और संरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है। भारत भक्ति अखाड़े की गतिविधियां प्रारंभ होंगी, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। यही भारत भक्ति अखाड़े का उद्देश्य है। जिस प्रकार से अन्य जो मतावलंबी हैं उनके जो स्थान हैं, हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि भारत ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है, जो वो दान में देते हैं, वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। वहीं सीहोर में क्षत्रिय महासभा को संबोधित करते हुए साध्वी ने कहा था कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो तो उन्हें बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो तो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो तो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझ ही समझ नहीं पाते। प्रज्ञा के इस बयान का शूद्र समाज के लोगों ने विरोध किया था। टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।